हमें खिलाओ मत यार, मैं काट से तुम्हें खाया ना यार, पागल है क्या? जब बचपन में मम्मी पापा बोलते थे ना ऐसे, घर साफ करो, अपना बेडरूम साफ करो, टेप अपना बेड ठीक करो, तब लगता था क्या करा रहे हो हमसे, क्यों करा रहे हो। अपने आसपास की जगह साफ सुथरी रखनी बहुत जरूरी हो, मतलब स्पेशली इसमें तो मतलब काम तो अच्छा निकलता ही है, बट इवन देन पॉजिटिविटी बढ़ती है एंड इट्स अ वेरी गुड टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है ना, सब साथ में आके करें। ए, इस बार ना सुनना, इस बार ये एक कांच में वो मत मारना, बूथ कोटिंग मत मारना, शूट वो कुछ करना होता है, देखना होता है, कुछ दिखे तो सही उसका। जो इतनी मोटी परत बन गई है ना पेंट की। परफेक्ट टाइमिंग। क्यों? वो बंदा आया ना डेमो। हाँ, मेरे को मैसेज आया उसके 11 बजे आने वाले थे। 11 यूनिट होंगे, सारे आ गए क्या? सारे आगे लगा दिए सब जगह। मैं आया ना जब बाइक से, तो इसकी नजर नहीं पहुंचती ना मेरा। हाँ भाई, हम ये बनवा रहे थे, ये थल्ला पूरा जनरेटर के लिए रेडी करवाया, तो ये पूरा अल्टर करना पड़ा, इधर की जगह अल्टर करी, ये पूरा अल्टर किया, इधर अर्थिंग की केबल डाली, तो इधर भी जो अंदर अपना स्क्रैप रूम था जहाँ पे पार्ट्स वगैरह पड़े रहते थे, जो भी गाड़ियां चली जाती थी, जो स्क्रैप करने वाले पार्ट्स रहते थे, तो उसकी पूरी जमीन जो नीचे पेवमेंट रहते हैं ब्लॉक्स, वो सारे धस गए थे, हमने वो भी ठीक करवाया फिर पूरा का पूरा। तो ये काटना पड़ेगा जब जनरेटर आएगा। तो क्या होता है, साल भर में लोग बदल जाते हैं, सबको याद नहीं रहता कैसे यूज करना होता है, तो रिफ्रेश चाहिए ना वो दिमाग में। जब आग लगे और फायर एक्सटिंग्विशर भी और चलाना ना है, तो फिर फायदा क्या होगा किसी चीज का? तो बस आग लगना है अभी फिर। हाँ सर, उसके लिए लकड़ी की बोर्ड रखा है। मैं सोच रहा हूँ अपने उधर कर लेते हैं जहाँ बाइक लगाते हैं। इस वर्कशॉप को रन करते हुए फायर सेफ्टी और फायर हजार्ड एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हमारे लिए। इतने सारे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और बहुत सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी रहते हैं, बहुत बार ऐसा डर लगता है कि छोटी मोटी आग पकड़ गई तो उस केस में टीम क्या करेगी। लास्ट ईयर हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल कराए थे, तो आज पूरा साल होने के बाद उनका टाइम आया था उनको रिफिल करवाने का, तो मैंने वेंडर से बात करी और एक फायर सेफ्टी ड्रिल भी अरेंज करवाई, ताकि सब लड़कों को और पूरी टीम को एक आइडिया मिल जाए कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी फायर हजार्ड कैसे इस चीज को ऑपरेट करना है और कैसे खुद को उस चीज से बचाना है। कहाँ है मिचलेश, लकड़ी लाए क्या तुम? ए बाइक हटा अपनी, आग लगानी है क्या बाइक को? नहीं नहीं, तो हाँ बाइक हटा फिर, सबको बुला के लाओ। हाँ ए, एडमिन टीम को भी बुलाना है सबको, सब आ गए क्या? नहीं हो जाएगा। अभी पिछले साल पता नहीं कौन था नहीं था यहाँ पे फायर सेफ्टी की जब ड्रिल करी थी, तो आज हम एक बार थोड़ी सी आग लगा के बताएंगे एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करते हैं। सबको ध्यान होना चाहिए, कभी भी छोटी मोटी आग लगे या बड़ी आग भी लगे तो पता होना चाहिए कि एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करना है, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो कभी भी छोटी मोटी आग लगती है दुकान में, तो अपनी तरफ से हर कोई सक्षम होना चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है? जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो घबराने का नहीं है, एक्सटिंग्विशर हर जगह पे लगे हुए हैं 15-20 फीट के गैप में, तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो पहले शांत रहने का, उठाने का, यूज करने का, घबराने का नहीं है। और जो उन्होंने दो तीन चीजें बोली है उसी का ध्यान रखने का, 4-5 फुट गैप पे खड़ा होना है, आग के नीचे मारना है, हवा पे ऊपर पे नहीं, ठीक है? चलो जाओ, अब ध्यान रखना सब ये चीज। हाँ, मेरे हिसाब से ये सब चीजें बहुत जरूरी रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हुए, और टाइम टू टाइम ये सब रिफ्रेश करनी जानी चाहिए, क्योंकि टीम भी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है और लोगों को भी उतना ध्यान नहीं रहता कि लास्ट ईयर मेरे को क्या बताया गया था, तो उस वजह से आज हम ये एक फायर सेफ्टी ड्रिल करवा रहे हैं।
कल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा छोटा लग रहा था, आज लग रहा है बहुत बड़ा है जैसे। है? क्या चीज है ये? छिपकली अंडे देती है। हाँ, छिपकली का अंडा रख दे साइड में, कहीं निकल आएंगे बेचारे। मुझे भी तब पता चला जब मैंने गॉडज़िला देखी थी। गॉडज़िला छिपकली है, रेप्टाइल ही है। एक ग्रोइंग बिजनेस जो होता है ना, वो कभी भी ऐसा शांत नहीं बैठा रहता, ऐसा मॉर्फोजेनेसिस होता रहता है उसका, बदलता रहता है वो। आई डोंट नो मैं करेक्ट शब्द यूज कर रहा हूँ कि नहीं, पर वो मॉर्फ होता रहता है, चीजें चेंज होती रहती है। जब ये वर्कशॉप जब स्टार्ट करी थी मुझे याद है, कुछ नहीं था यहाँ, ये पंखे वंखे नहीं थे यहाँ पे, हमारी 10 गाड़ियां खड़ी थी, लिफ्ट भी नहीं थी, ये 8-10 गाड़ियां खड़ी थी यहाँ पे, एक एक करके हम काम कर रहे थे। एक भी स्टाफ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। वो भी जो तू देख रहा है ना ऊपर, वो जो ऑल्टर किया हुआ बीच में पतरा उठाया हुआ लिफ्ट के ऊपर, वो भी हमने ऑल्टर किया था। कितनी ऑल्टरेशन करी है, ये पतरे सारे चेंज किए, जो लाइट वाले जो है ना, ये पूरा कवर हो गया। देखो ये साफ करवाने यार, क्या मैं अभी देख रहा हूँ तो हालत देखना उसकी, पेड़ की वो पड़ी हुई है, उस पेड़ का ये गिरा। हाँ तो ऊपर से सिर्फ जाके नीचे खिसका देगा, ये सारे सेक्शन में ना 1-2-3 बहुत गंद भरे हुए, और ऊपर चढ़ेगा ही तो ये नाली भी साफ कर देगा उधर की, सेकंड साइड पे उधर। जब फ्री हो शाम को आधा घंटा निकाल के दो जनों को ऊपर भेज दे, धूप है बहुत। अभी नजर घुमाई तो वो भी दिख गया, बढ़िया हो जाएगा, जनरेटर लग जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है चेंजेस के लिए रेडी रहना, एक्सेप्ट करना, टाइम टू टाइम चेंज होना सर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मारुफू यस, थैंक यू एवरीवन, आओ केक खाओ, काटेगा तू चलना, खिलाओ मत यार, मैं काट देता हूँ, मैं काट रहा हूँ ना बे, आराम ही नहीं है जिंदगी में, खाया ना यार, खाया ना यार।